विश्वविद्यालय सिहोरा में गत 22 साल से मध्यंत भोजन बनाने वाली 3 महिला कर्मचारियों को स्कूल प्रशासन ने चोरी का आरोप लगाकर काम से बिना पूर्व सूचना दिए निकाला। इसी विरोध में यह महिला 2 अक्टूबर से स्कूल के सामने अनशन पर बैठ गई है। इन महिलाओं में सिहोरा निवासी लक्ष्मी सोनकुसरे यह अनशन स्थान पर नहीं है। अनशन स्थान पर सुनीता वाघाड़े और उषा वाघाड़े यह 2 महिला उपस्थित है। इनका कहना है कि हमें काम पर फिर से वापस दें। अनशन पर बैठी महिलाओं को अनेक राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। इसी बीच प्रमुखता से सिहोरा गांव सरपंच रंजना तुरकर उप सरपंच सलाम शेख ने कहा कि अगर इन महिलाओं को काम पर नहीं लिया गया तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ हम जन आंदोलन करेंगे। अनेक राजनीति के नेता अपना अपना समय दे रहे हैं और अनशनकर्ताओं को मिलने पहुंचे हैं। भाजपा नेता कल्याणी भूरे ने बीसीएन न्यूज से बात की। आज महिलांवर अत्याचाराच्या विरोधात भाजपा महिला आघाडी प्रत्येक सामर्थ्यशील समोर आली आहे आणि याही लढाईमध्ये आम्ही त्याच पद्धतीने त्यांच्यासोबत आहोत। पण विषय असा आलाय की आज आम्ही दोन्ही बाजू दोन्ही पक्ष समजून घेतले। आदरणीय प्रिन्सिपल साहेबांना सुद्धा भेटलो, उपोषणकर्त्यांची सुद्धा आम्ही भूमिका समजून घेतली आणि आज आम्ही दोघांनाही सरांशी सुद्धा बोलण्यात तेच विषय केला की आज इतक्या 22 वर्षापासून या महिला इथे काम करत आहेत। 22 वर्षापासून जर हा विषय तुमच्या का लक्षात नाही आला, बऱ्याच काही गोष्टींवर तिथे चर्चा झालेली आहे। उपसरपंच सलाम शेख उपसरपंच ग्रामपंचायत सिहोरा आज जो महिला आहे या उपोषण पर बैठी है उनके उपोषण मंडप को मैंने भेंट दिया और मैं उनको अपना समर्थन जाहिर गांव का उपसरपंच होने के नाते अपना समर्थन जाहिर करता हूं और स्कूल प्रशासन से ऐसी मांग करता हूं कि उनके प्रति सहानुभूतिक विचार करते हुए उनको पुण्य काम पर ले ऐसी उनसे मांग करता हूं। अन्यथा जब उन महिलाओं पर अत्याचार होता है तो गाँव में आंदोलन किया जाएगा। इनबीसीएन न्यूज़ के लिए सिहोरा से रणधीर नेमा की रिपोर्ट।